लोक कथा अजगर, कथावाचक निधि सहगल। बहुत वर्ष पहले एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा के भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वो रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी देवी, क्या तुम उससे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी वह घर लौट रही थी तो उसे वही आवाज पुनः सुनाई दी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वो अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ, देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज को उत्तर देना, रानी शोभा ने कहा। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, देवी बोली, हम तो उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी, उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी देवी, क्या तुम उससे विवाह करोगी? क्या तुम उससे विवाह करोगी? आवाज बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो हिचकिचाई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वो जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वो बड़ी तेजी से गायों को हांकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई भी ना था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वो स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसीलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वायदा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसीलिए आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसे उसने सारी घटना बतला दी। रानी ये सुनकर प्रसन्न हुई।
वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह करने का वादा किया है, वह बोली, तो उसे अपना वायदा अवश्य पूरा करना चाहिए। रानी होने के कारण ये देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए ये कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ, वह नवयुवक बोला। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर से कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वो अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। ये बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसे भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो अब हो गया है, वो बोली, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों जंगल में जाऊं गायें चराने। यह मेरी आज्ञा है, रानी क्रुद्ध होकर बोली। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वो अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वो खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम को वापस समय से ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो ये कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हुआ और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है, सब चिल्लाए। वो तो अजगर के पेट में होगी, रसोईया बोला, देखो वो कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोईया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला।
तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। लोक कथा अजगर, कथावाचक निधि सहगल।